Good morning and again welcome to our economics class. We will continue our chapter foreign exchange rate. In the last class we studied how we can determine the foreign exchange rate with the help of managed floating exchange rate system. What happens if the condition of excess and deficient of demand and supply of foreign exchange. In today's class we study what happens when there is change in demand or change in supply of foreign exchange. Our topic is change in foreign exchange rate. किसी भी कंट्री के foreign exchange rate में कैसे changes आते हैं? इसमें changes मैंने तीन ही तरह से आते हैं. एक तो demand से, एक supply से और तीसरा जब government खुद foreign exchange के अंदर changes लाती है, वो generally fixed exchange rate system उसको बोलते हैं. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं change in exchange rate with the change in demand. आपने पढ़े बहुत सारे reasons जिनसे फॉरेन करेंसी की डिमांड में चेंजेस आता है, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज, गोइंग अब्रॉड फॉर द टूरिज्म पर्पस, स्टडी पर्पस, मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस एक्सेट्रा. सो फर्स्ट वी सी व्हाट हैपेंस इफ देयर इज चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री. अब डिमांड में चेंजेस दो तरह से होगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. इट मींस when demand of the foreign exchange increase or demand of the foreign exchange decrease. When demand increase, we know that the demand curve shift to the right hand side, or when demand decrease, the demand curve shift to the left hand side. Then what is its impacts on the foreign exchange rate? And second, for demand and supply of foreign exchange, we see it with the help of diagram. In the given diagram, on x-axis we take demand and supply of foreign exchange. I write in show D and S of foreign exchange. It means demand and supply of foreign exchange. On the y-axis we have foreign exchange rate. क्या लिखा है? Foreign exchange rate. Okay. DD is the demand curve and SS is the supply curve of the foreign exchange. Demand curve क्या है इसका? DD जो हमारे को फॉरेन करेंसी की डिमांड को शो कर रहा है, एसएस इसका सप्लाई कर रहे हैं, जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई को शो कर रहा है एट डिफरेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट. दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई पॉइंट. ये दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पर. एट दिस ई पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ओआर. व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट्स ओआर. एंड द फॉरेन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है फॉरेन एक्सचेंज की? ओक्यू. फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना हमारा? ओआर. ओके, नाउ विद फ्यू रीजंस इफ इट्स डिमांड इंक्रीज, इसका डिमांड इंक्रीज होता है और डिमांड का डीडी से चेंज होकर डी वन हो गया. पहले डिमांड का क्या था? डीडी. अब चेंज होकर क्या हो गया? डी वन. इट मीन्स इट शिफ्ट टू राइट हैंड साइड. नाउ इट इंटरसेक्ट एसएस सप्लाई कर्व एट द ई वन पॉइंट. कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये even point पर. Now this even point foreign exchange rate is now OR1 and its equilibrium quantity is OQ. Foreign exchange rate बढ़ गया. जिससे मान लीजिए डॉलर के लिए हम 75 रुपीस पे कर रहे थे, हम 80 रुपीस पे कर रहे हैं. So it show the appreciation of the foreign currency dollar and depreciation of the Indian currency rupee. जो Indian currency rupee वो तो क्या हो गया? Depreciate हो गया. और जो फॉरेन करेंसी है डॉलर वो एप्रिशिएट हो गया, मतलब हमारे लिए डॉलर की वैल्यू बढ़ गई. डॉलर की डिमांड इंक्रीज होने से हमारे को उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा और इसका इंपैक्ट नॉर्मली क्या होगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो तो इंक्रीज होंगे और हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज होंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में इनको पढ़ेंगे. सो व्हेन डिमांड इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ विल इंक्रीज. व्हेन द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज and is decreased DD2 D2 D2. क्या हो रहा है? डिक्रीज हो गया. कितना हो रहा है? D2 D2. and is intersect SS supply curve E2 point. जब डिमांड कम हो गया तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? वो E2 point पर. at this E2 point foreign exchange rate is OR2 and its equilibrium quantity is OQ2. मतलब foreign exchange rate भी कम हो गया, उसका equilibrium quantity भी कम हो गई. why? because of decrease in डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड कम क्यों हो रही है? मान लीजिए हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं, स्पेकुलेटिव मल्टीपली डिमांड कम हो रही है,
हम टूरिज्म पर्पस से अदर पर्पस से रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जा रहे तो उसकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने पर क्या हुआ, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, इट मींस हमारी इंडियन करेंसी वो अप्रिशिएट हो गई। मान लीजिए डॉलर के पहले आप 75 रुपीस पे कर रहे थे, अब आप 70 रुपीस पे कर रहे हैं, तो रुपए की वैल्यू क्या हुआ अप्रिशिएट, डॉलर की वैल्यू क्या हो गया डेप्रिशिएट। इस टर्म्स को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत से स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ टुडेस क्लास, इट इज चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई में चेंज होता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, व्हाट इज द चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, अगर सप्लाई हमारा इंक्रीज होता है या सप्लाई हमारा डिक्रीज होता है, अब उसका क्या इंपैक्ट होगा उसको भी डायग्राम से देखते हैं। इन दिस डायग्राम आल्सो डीडी इज द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एसएस इज द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई पॉइंट, एट दिस ई पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ओआर एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओएम। सपोज दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज and it changed from SS to S1, which intersect DD demand curve at even point. At this even point, foreign exchange rate reduced from OR to OR1 and equilibrium quantity increased from OQ to OQ1. It shows that depreciation of the foreign currency, suppose dollar, एंड एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी रुपीज। अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है, हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर ज्यादा आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, जो डॉलर की वैल्यू है हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपी में वो रिड्यूस हो जाएगी। मैं आपको पहले, अगर आप डॉलर के 75 पे कर रहे थे, अब आप 70 रुपीज पे कर रहे हो, सो विद द इंक्रीज इन सप्लाई आवर डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स एप्रिशिएट एंड फॉरेन करेंसी सपोज डॉलर इट विल डेप्रिशिएट। ऑन द अदर हैंड If supply of the foreign currency reduce, हमारी कंट्री में जो foreign currency की supply वो कम हो जाती है, then supply curve becomes S2, and its intersect DD demand curve at E2 point. Now at E2 point, foreign exchange rate increase OR2, OR से बढ़कर कितना हो गया वो OR2, और जो quantity वो कम हो गई इसकी, OQ से कम होकर कितना हो गया OQ2. So it shows appreciation of the foreign currency dollar and depreciation of the domestic currency rupee. जो dollar है उसके क्या हो गया, मतलब appreciate हो गया। हम एक dollar के लिए OR pay कर रहे थे, कितना कर रहे हैं OR2। अब numerically समझ सकते हैं, dollar के लिए 75 rupees pay कर रहे थे, अब हम 80 rupees pay कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हुआ, dollar की value appreciate हो गई और rupee की value depreciate हो गई। So by this way we can change how foreign exchange will change in the economy, और उसके डिमांड में चेंज होने पर क्या होता है और उसकी सप्लाई पर चेंज होने पर क्या होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट इज डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डर्टी फ्लोटिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस वी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।